एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही क्विक एंड इजी तिंदर रेसिपी, सोया चिली विद ग्रेवी। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले सोयाबीन ले लिया है, जिनको मैंने 4 से 5 घंटा भिगो दिया है, जबकि ये फूल चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ मसाले, जैसे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, नमक स्वाद के अनुसार ही डालें। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और 2 चम्मच में इसमें ऐड करने वाली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं। और 1 चम्मच में इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। तो अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चम्मच से इसे करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम इसमें अपने हैंड का यूज़ करेंगे। तो देखिए, अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस में मैंने यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है, और एक एक करके सारे सोयाबीन जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तेल में हम इसे फ्राई करेंगे, कम से कम 5 से 10 मिनट तक फ्राई करने से ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा। और जैसे ये ब्राउन होने लगेगा, वैसे ही आपको इसे निकाल लेना है। ये बहुत ही टेस्टी और ईजी तरीका है इस रेसिपी को बनाने का। फ्रेंड्स, आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें। तो अब आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन जैसा हो चुका है। ज़्यादा फ्राई ना करें, मीडियम फ्लेम पे ही आपको ये प्रोसेस करना है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं, एक एक करके सारे निकाल लेंगे। पेपर में निकालें तो ज़्यादा बेटर है, आप टिश्यू पेपर में निकाल लें, नहीं तो इसका तेल जल्दी निकलता नहीं है। तो अब मैंने मसाले में यहाँ पे लिए हैं लहसुन, और उसी तेल में मैं इन सारे चीज़ों को फ्राई करने वाली हूँ। 10-12 मैंने यहाँ पे लहसुन के टुकड़े कर लिए हैं, जिनको मैंने कट किया है, क्रश नहीं किया है। आप चाहें तो क्रश कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अदरक को क्रश कर लिया है, और 3 मिर्ची मैंने यहाँ पे लिए हैं, जिनको मैंने तोड़ लिए हैं कुछ इस तरह से। आप नहीं काटेंगे तो भी चलेगा, तो मैंने इसे तोड़ लिए हैं क्योंकि इससे बहुत ही स्वादिष्ट बनता है इसका टेस्ट। तो अब हम इसे अच्छे से 10 मिनट तक थोड़ा सा भूनेंगे, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। इसका कलर चेंज होने के बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं बाकी इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा अनियन और शिमला मिर्च मेन है। जब भी हम कुछ भी चिली चीज़ें बनाते हैं, उसमें अनियन और शिमला मिर्च होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखिए, इसका कलर बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लाइट पिंक हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटो सॉस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और टमाटो सॉस आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि सोया चिली में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही टेस्ट इसका ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इसमें मैंने कम से कम ऐड किया है 2 कटोरी के करीब टमाटो सॉस मैंने ऐड किया है। तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें भी मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सोया सॉस। तो चलिए इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं जो हमारे सोयाबीन हमने भून के रख लिए थे, तो हम इसमें सोयाबीन ऐड कर लेंगे। सारे सोयाबीन को ऐड करने के बाद अच्छे से सबसे पहले मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर और पानी के साथ मिक्स करके। तो इसमें मैंने 1/2 ग्लास पानी ऐड किया है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। तो अब हम इसे 10 मिनट तक अच्छे से चला लेंगे, और 10 मिनट में ये हमारी रेसिपी जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी, और फिर हम इसे सर्व ऐड कर देंगे। तो देखिए, हमारा जो सोयाबीन चिली है, और उसको कम से कम मीडियम फ्लेम में हमें 10 मिनट तक पकाना है। और फिर ये जो मसाला है, हमें वापस से मिर्ची पाउडर ऐड करना है। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो आप कम यूज़ कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब रेसिपी को आप सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना टमाटर और कितना रसीला हमारा ये सोया चिली रेसिपी। तो रेडी है हमारी सोयाबीन चिली विद ग्रेवी की रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक।